बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रिश्पा चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रेवलॉन फेस को सन से कैसे बचाना है, किस तरीके से आपने सन को अपने फेस से बचाना है, डार्क स्पॉट को कम करना है किस तरीके से, और डल स्किन को किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है, और एक्नी स्कार्स जो है उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है, सन टर्न को किस तरह आपने ख़त्म करना है अपने फेस से, एक्नी फेस से, और सन ब्लॉक कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है कंप्लीट बताएंगे। आपका फेस डल क्यों है, डार्क स्पॉट्स कब हटेंगे, किस तरीके से, अगर आपका फेस ऑयली है तो आपने एक्नी से किस तरीके से अपने फेस को सेव करना है, और अगर आपका फेस ड्राई है तो किस तरीके से आपने सेव करना है कंप्लीट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और रेवलॉन सन ब्लॉक है वर्स, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, इनका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है। SPS इम्पॉर्टेंट है वर्स, तो ये 50 SPS है वर्स सन से आपको किस तरीके से इसको, तो वर्स इसका इस्तेमाल ये है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे अगर आपके फेस पे छाइयाँ हैं, अगर आपके फेस एक्नी है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयली है इसकी वजह से एक्नी ज़्यादा आते हैं वर्स, या कोई क्रीम लगा के छाइयाँ आ गए हैं आपके फेस के ऊपर, तो उसको किस तरीके से कवर करना है, तो करना आपने ये है व्यूअर्स, सन ब्लॉक को किस तरह का आपने हर फेस पे, व्यूअर्स आपको ये बताते चले कि अगर आपके फेस पे दाने हैं, चाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सन 100% बता रही हो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, घर से निकलते वक्त आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, कोई भी क्रीम कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी सन ब्लॉक हो आपने यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चूल्हे के पास जा रही हो तो भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आपके फेस पे जो गर्माइश लगेगी उसकी वजह से भी चाइयाँ निकल आती है, उसकी वजह से भी दाने निकल आते हैं आपके फेस के ऊपर, अगर सन पड़ता है आपके फेस के ऊपर तो भी दाने निकल आते हैं, चाइयाँ पड़ जाती हैं, ब्लैक हो जाता है आपका स्किन और सन टर्न हो जाता है वर्स, तो उससे यह है कि आपको सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। घर से निकलते वक्त भी, घर पे इंटर होते वक्त भी, आपने चूल्हे के पास बैठते वक्त भी आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा अपने हाथ में ले और अपने फेस पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके फेस पे जो चाइयाँ हैं, जो दाने हैं, तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। तकरीबन 2 हफ्ते आप इसका इस्तेमाल मुसलसल करें, इंशाल्लाह आपका फेस क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके स्किन को किसी चीज़ की ज़रूरत, तो आप ये बाकी जो फालतू चीज़ें हैं जिस तरीके से क्रीम बैटना वेट आप इस्तेमाल करते हैं, या कोई गोल्डन पल का इस्तेमाल करते हैं, फाइजर क्रीम, उन चीज़ों से बचने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, आपका फेस क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।